हेलो अमजद भाई, क्या हाल है आपके? बढ़िया जी, बढ़िया। सर, ये आपका जो बिट माइनर है, हाँ ये सर आपका रखा हुआ है, हाँ मैं इसको एक बार कस्टमरों को दिखा देता हूँ सही तरीके से। ये है सर, इसमें मुझे आपसे मालूम करना था, इसके अंदर जो आपका ये कितना टेरा हैश है सर? ये हमारा जो है माइनर, ये 90 टेरा है इसका, है ओके विदाउट ओसी। अगर इसे ओके ओसी करा देंगे हम तो ये जी 105 टेरा तक जाएगा। नहीं, अच्छा वो डिस्क रहता है उसमें, बोर्ड पे जो बोर्ड होता है यहाँ जी पर, जी इस पे जी ज्यादा जी सारा लोड पड़ता है अच्छा जहाँ पे बोर्ड अच्छा होता है इसका, अच्छा अच्छा इसके एमयूजिक का। अंदर, हाँ, यहाँ इसके इसके अंदर। अंदर। हाँ, अच्छा इसके अच्छा अंदर अच्छा तो हमारा ये विदाउट ओसी है। ये हमारा 94 टेरा तक देता है, 92, 93, 94 टेरा तक देता है ओके विदाउट अच्छा ओसी। सर। हाँ अब सर इसमें एक चीज़ ये बताइए, जैसे अब आपने टेरहश तो इसमें आपने बता दिया, हाँ मान लीजिए इसका ROI कितना आता अगर हम पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करें तो? देखो, अगर हम अगर ये 24 घंटे का हम दिखाते हैं तो जी वो दिखाता है 550 रुपये, ओके। हाँ लेकिन 24 घंटे लाइट नहीं आती, नहीं सर, वो उसी अट्ठारह जगह नहीं बीस घंटे आती। लाइट आती है, 22 घंटे ठीक लाइट आती है। ठीक तो एक जो पर डे इनकम है इसकी, जी ये लगभग 400 से लेकर 450 रुपये तक इसकी पर डे इनकम है इसकी। अच्छा सर अगर आती है 16 घंटे लाइट तो जी इसकी इनकम है 350-400 रुपये इनकम है इसकी। ये अच्छा इसकी इनकम यानी 12 से 13 हज़ार रुपये पर मंथ ही देता है माइनर। अच्छा अब सर एक बात तो ये बताइए, ये कितने वाट में है, ये वाट लोड भाई, कितना लेता है? ये 3000 वाट का है, 3000 3200 वाट का है ये अच्छा, माइनर। ये इसका लोड है यानी 15 एम्पियर लेता है। तो सर अगर इसके ये 15 एम्पियर लेता है आपका, 3000 वाट बता रहे हैं, तो सर इसमें हाँ आपका महीने का कितना खर्चा मान लीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह आता है? हाँ देखो, मैं एक बात तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैं माइनर लेने से पहले, मैं अगर आपके पास बिजली फ्री है या फिर आपके पास बिजली 1 रुपया 2 रुपये यूनिट है तो इसे प्रॉफिटेबल है लगाने के लिए, नहीं तो फिर नहीं प्रॉफिटेबल। ये जो अच्छा लेता है महीने में लेता है 2000 यूनिट, अच्छा अगर सर। आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके वहां पर कितने रुपए यूनिट चल रही है, उसके हिसाब से ही लेता है हाँ ये। सर, वो तो सर्कल के हिसाब से है ना, आप किस हाँ, सर्कल में लेकिन हो। कहने मतलब ये, इसलिए फ्री ही बिजली चाहिए इसके लिए। अच्छा हाँ, फ्री सर बिजली लेगा, ये देता है आपको लगभग 5087 देता है पर डे, यानी अच्छा लगभग 4 साढ़े 4-5 डॉलर पर डे देता है ये एक महीना। अच्छा यानी कि विद इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अलग, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जोड़ी इसमें, इलेक्ट्रिसिटी अगर जोड़ोगे तो फिर ये माइनस में जाएगा। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा सर इसमें सर एक चीज़ और बताइए अमजद भाई, अब हाँ जैसे अब हमने मान लीजिए कस्टमर वगैरह इसका आपका माइनर ले लेता है, तो इसमें क्लेम वगैरह या वारंटी वगैरह कितनी है, कैसे क्या होगा? अच्छा, देखो जी, तो सबसे पहले मैंने मैं एक बात बताता हूँ, मैंने आपको, मैं आजकल बहुत माइनर सेल करने वाले बैठे हैं, ठीक है लेकिन सर। वो क्या लेवल का माल ला रहे हैं, लेवल का माल बेच रहे लाके। सर लेवल लेवल क्या होता है? होता है कि मान लिया कि वहाँ से आउट ऑफ वारंटी हो जाते हैं माइनर, ये उनके बॉडी वगैरह फैन वगैरह चेंज होकर पूरा नया हो जाता है अच्छा इनमें अच्छा से। यानी कि वो पुराने माल को न्यू हाँ, असेंबल पूरा करके नया बेच बिक देते रहा है। हैं? अब एक बात बताओ, ये चीज अगर मेरी कुछ चीज 2 रुपये खरीद है तो मैं 1 रुपये में कैसे दे दूंगा मैं? नहीं ये नहीं इसकी सही बात सोचने है वाली सर। बात है। नहीं तो कुछ ठीक कह रहे कि है हम तो 80 का दे देंगे, 90 का दे देंगे, इतने दे देंगे, वो सब वो लेवल में बता रहा हूँ। ये हमारा फ्रेश माल रहेगा बिल्कुल, इसकी 1 साल की वारंटी रहेगी। ठीक है सर अगर इसमें फैन में कोई दिक्कत आती है जी। तो हमारे पास मिलेगा 800 रुपये का फैन। ठीक है सर, कितने का? 800 रुपये का एक फैन। 800 रुपये हाँ, का अगर इसे बोर्ड में दिक्कत आती है, एमलोजी का जी इसके अंदर बोर्ड है, बोर्ड में कोई जी दिक्कत आती है तो हम देंगे 8000 रुपये का बोर्ड, ठीक है ये इसका सर बोर्ड। ठीक है अगर इसके हैश बोर्ड में कोई दिक्कत आती है, जी पूरा हैश बोर्ड होता है, 3 हैश बोर्ड होते हैं इसके अंदर, जी तो हम उसे हैश बोर्ड को क्लेम करा के देते हैं। हम लगभग अच्छा 10 से 12 दिन लगते हैं, और अच्छा इसमें तुम्हारा ये यहाँ से हांगकॉन्ग भेजेंगे, वहां से क्लेम होकर नया हैश बोर्ड अच्छा सीधा मिलेगा। आपका सिप इसमें से हाँ, बोर्ड से। आपका हाँ, एक सिर्फ बोर्ड निकल गया और सीधा बस कंपनी बस आपको जाएगा? कुछ नहीं देना, सिर्फ आपको शिपिंग चार्ज देना है। मतलब शिपिंग अच्छा चार्ज का ऐसे रहता है, वो 10-12 हज़ार रुपये शायद रहता है इसका, आने जाने का इसका, वो सिर्फ अच्छा आपको शिपिंग चार्ज देना है, बाकी कोई तुम्हें अलग से चार्ज नहीं देना। सिर्फ प्लस जो भी इसमें सर्विस होती है, मान जी लिया आपका फैन खराब हो गया, जी या तो फैन आप हम बता देंगे ऐसे गिर लो, जी नहीं तो फिर आप ले आते हो तो वो भी होता है, वो भी हम करके देंगे। जी और एक बात और, अगर किसी परसेंटेज का हैशबोर्ड खराब होता है ठीक तो है एक एक हैशबोर्ड निकाल दो, बाकी जी तुम्हारा माइनर रन करेगा, जब भी अच्छा, उसके इनकम बाद जब भी भी आएगी चलेगा? तुम्हारी, हाँ, फिर अच्छा तुम्हारा हो जाएगा ये लगभग 60 टायर है, 60 टायर अच्छा चलेगा इनकम जब भी तुम्हारी देगा कंटिन्यू अच्छा वाला। जैसे इसके अंदर तीन आपके हैशबोर्ड लगे हुए हैं, अगर आपने किसी वजह से एक बंदा हो गया उसको हमने बाईपास कर दिया तो दो चलते दो रहेंगे? जब भी चलते रहेंगे, एक में हैशबोर्ड 30,000 गीगाहर्ट्ज़ का है, तो अच्छा सर तीन तीन हैशबोर्ड इसके 90,000 गीगाहर्ट्ज़ यानी 90 टेराहर्ट्ज़ जी, बन गए। ठीक है सर ठीक है, फुल गारंटी रहेगी, फुल क्लैब रहेगा, मतलब नया पीस रहेगा, न्यू ब्रांड पीस रहेगा, और अच्छा नंबर एक माल रहेगा हमारा। अच्छा 2 दिन में डिलीवर दे देंगे जी और कैश ऑन डिलीवरी देंगे, कोई अच्छा पैसा एडवांस नहीं करना, अच्छा ओनली सारा पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी, 2 दिन के अंदर डिलीवरी मिल जाएगी, 2 दिन के अंदर, 2 या 3 दिन मैक्स है सिर्फ।